हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू फाइंड सिलेंडर वॉल्यूम यूजिंग फंक्शन, यानी कि जो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसको कैसे फाइंड करेंगे फंक्शन की मदद से, वो इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको आना होगा मेन मेथड के अंदर और यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। स्कैनर न्यू स्कैनर और यहाँ लिखना होगा सिस्टम डॉट ई, वाला काम यहाँ पे ही करेंगे। दूसरा क्या करना होगा आपको यहाँ पे, इसके लिए यूजर से हमको क्या चाहिए, हाइट और रेडियस चाहिए। तो मैं सबसे पहले रेडियस लूँगा, तो इसके लिए मैसेज प्रिंट कराऊंगा इंटर द रेडियस, मतलब कि आप रेडियस डालें इंटर द रेडियस। तो इधर क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पर डालेगा रेडियस अपने जो भी डालना होगा उसके अपने इच्छा अनुसार। फिर मैं उसको क्या करूँगा, स्टोर करूँगा, तो मैं यहाँ पर डबल डॉट टाइप वेरिएबल लूँगा और आठ नाम का ठीक है वेरिएबल लूँगा। और यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर लूँगा इसको स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल, ये मेरा पहला काम हो गया। दूसरा क्या करना है आपको, यहाँ पर सिस्टम आउट ऑफ प्रिंटर लर्न करना है और यहाँ पर लिखना है मुझे इंटर द हाइट, जो भी हमारा हाइट होगा उसको लिखेंगे हम, तो इंटर द हाइट करेंगे हम यहाँ पर, ठीक ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे डबल डॉट टाइप वेरिएबल लेना होगा, तो यहाँ पे ये ले लूँगा और यहाँ पे एक्स ले लूँगा जो भी होता है हमारा, और स्कैनर डॉट क्या करेंगे नेक्स्ट डबल कर लेंगे, दूसरा काम हमारा हो गया। फिर करना क्या होगा हमको, यहाँ पे जो भी हमारा चूँकि हमको फंक्शन मदद से करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ डायरेक्ट नहीं निकालूंगा, इसको फंक्शन मदद निकालूंगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो मेन मेथड आप देख रहे हैं इस मेन मेथड के बाहर एक और फंक्शन बनाना होगा हमको, जहाँ पर मुझे इसको बनाकर कॉल करना होगा। तो सबसे पहले क्या करूँ, पब्लिक स्टैटिक और यहाँ क्या करना पड़ेगा मुझे, जो भी वेरिएबल का नाम देना चाहते हैं उसको देंगे और डाटा टाइप का नाम देंगे। तो मान लीजिए मैं वेरिएबल का जो भी फंक्शन का नाम है वो देना चाहता हूँ वॉल्यूम, ठीक है उसका नाम। उसके बाद क्या करना चाहिए, मुझे दो चीज़ चाहिए, एक चाहिए डबल, और डबल में क्या चाहिए, मुझे चाहिए आर जो रेडियस होना चाहिए, और एक चाहिए डबल जो कि हमने होना चाहिए एच जो हाइट होना चाहिए। इन दोनों को मैं ले लूँगा। उसके बाद क्या करूँगा, इन दोनों को लेने के बाद मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, वो है एक वेरिएबल बनाऊंगा डबल डॉट टाइप का, उसका नाम होगा ए। मैं क्या करूँगा सबको स्टोर करूँगा। तो जानते हैं जो हमारा वॉल्यूम फार्मूला होता है जो कि सिलेंडर का, वह होता है पाई आर स्क्वायर रूट एच, ठीक है। तो फार्मूला पता रहेगा तब कर लेंगे, यहाँ फार्मूला क्या होता है, बाईस इंटू आर इंटू आर होता है, आर इंटू आर और एच होता है हमारा, और 22:53 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि 22 लिख नहीं सकते हैं इसलिए मैं क्यों ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब फिर क्या रिटर्न कर देंगे जो भी हमारे ये होते हैं। तो अभी मेरा फंक्शन हमारा क्या हो गया, यहाँ तैयार हो गया। अब मैं क्या करूँ, इसको यहाँ पे कॉल करूँगा। कॉल कैसे करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और डबल डाटा वेरिएबल बनाऊँगा, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा ए नाम का, जो कोई भी नाम बना सकते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे उसका जो भी हमारा क्लास का नाम होता है, तो क्लास का नाम हमारा क्या है, सिलेंडर वॉल्यूम यूजिंग फंक्शन इसका नाम है। और डार जब करेंगे हमारा, देखिए वॉल्यूम नाम का फंक्शन हमारा आ गया। इसके अंदर मुझे दो पैरामीटर पास करने, एक करना होगा आर और एक करना होगा एच जो काम करना होगा रेडियस को। अब कुछ नहीं करना है, मुझे प्रिंट कर देना है साउट को, सिस्टम आउट एंड प्रिंटल, ठीक है। तो हमारा काम हो जाएगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ लिखूँगा मैं वॉल्यूम इज, ठीक है वॉल्यूम इज कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा। और प्लस कर देंगे क्या, जो भी हमारा ए वेरिएबल होता है, इसको हमारा काम हो गया, ठीक है। और फिर कंट्रोल सेव करेंगे और इसको क्या करेंगे, रन करेंगे हम, तो ई हमारा हो गया, ठीक। जो भी हमारा वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा यहाँ पे। तो अभी देखिए रन हो रहा है ये मेथड जो हमारा बनाया है, अभी मैं इसको यहाँ पे कॉल भी किया हूँ, ठीक है, इसकी मदद से देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो हमारा आ गया, इंटर द रेडियस मांग रहा है तो मैं डालूँगा 5, इंटर द हाइट मांग रहा है तो मैं डालूँगा 6, और ऐसे करूँगा वैल्यू हमारा 471.42857142, ये सारी चीज़ें हमारे आ जाएंगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा तरीका इसको फाइंड करने का, इससे क्या कर सकते हैं, हम इसको फाइंड कर सकते हैं फंक्शन की मदद से वैल्यू।